जो नरकंकाल वहाँ मिले वो किसी और के थे, बचिया के नहीं थे, वो लोग वहाँ वो लोग जीवित हैं वहाँ। देखिए अभी ये मामला सीबीआई के अंदर में है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रहा है, तो जैसे जैसे सीबीआई को साक्ष्य मिलेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई होगी। अब उसमें कोई भी फंसा हो, बहुत सारे अफसरों के नाम आए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं और सब लोग अंदर जा रहे हैं, नियति है, जिसने कर्म किया है वो यही भोगेगा। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट नहीं आ जाए लोग, बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली हो रही हैं, क्या कीजिएगा, जब कृत्य किए हैं तो चौंकना भी लोगों को पड़ेगा ही। विरोधी ने इस मामले को लेकर काफी आप लोग आरोप, विरोधी क्या बोलेंगे भाई, हम लोग खुद ही बखिया उघेड़ने वाले हैं तो विरोधी हमारे बारे में क्या बोलेंगे। शेल्टर होल मामला खोलने वाले हम, सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाले हम, सबको पकड़ने वाले हम, तो फिर क्या हमें क्या करना है। अभी तो देखिए कितने लोगों के नाम आते हैं, तब और मजा आएगा। बीजेपी की तरफ से संजय पासवान ने कहा है कि बिहार में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते रहे, यहाँ अमित शाह खुद ही आम कह चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो फिर सारी बातें खत्म हो जाती हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। संजय पासवान क्यों बोलते हैं ऐसा, इच्छा है उनकी, बोलने दीजिए, उसमें क्या कर सकते हैं, किसी की इच्छा होगी तो आप उसको रोक सकते हैं क्या। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो कुछ भी थोड़े कहीं से कुछ। अब मैंने बोला ना उनकी इच्छा है, बोलने दीजिए, उससे क्या मतलब है आपकी इच्छा। लेकिन अरे हमारा तो क्लियर है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनेंगे 2020 में, इसमें कोई शंका ही नहीं है, जनता भी चाहती है, प्रदेश चाहता है, देश चाहता है, तो फिर हम पार्टी चाहती है, तो फिर इच्छा की क्या बात। बीजेपी तो बोल रही है कि बहुत दिन हो गए मुख्यमंत्री रह गए, हम लोग को भी चांस दिया। बीजेपी नहीं बोल रही है, संजय पासवान बीजेपी के एमएलसी हैं वो। हम अमित शाह की बात माने या संजय पासवान की बात माने, आप ही बता दीजिए।